और वो सामने शालीमार है, दशहरा ग्राउंड बोलते हैं जिसे। अभी तो तैयारियां चल रही हैं, अभी मैं एक बार और आऊंगा जब ये पूरा तैयार हो जाएगा रावण। ये रावण की जुतियां हैं और ये पूरा लोहे का है, ये बाकी सारा जो बना हुआ है रावण और लोहे का है। जूता इसका 35 से 40 फीट का है, 190 फीट तो होगा ही, कम नहीं होगा। और ये हाथ है रावण का। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, क्या हाल है मित्रों। सो गाइस ये देखो, अभी मैं हूँ शालीमार पंचकुल्ला सेक्टर 5 में और यहाँ पे बन रहा है रावण जो कि काफ़ी बड़ा है और मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ। चलो देखते हैं और कैसा बन रहा रावण और कितने फीट का रावण है। और ये यहाँ पे जो बंदे हैं इन्होंने बनाया रावण और तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ये देखो गाइस छोटी छोटी मुर्गियाँ हैं यहाँ पर और ये बरसात ने पूरा काम ख़राब कर दिया है। चलो वैसे ये तो ठीक ही है, ये कौन सा कागज़ से बनता है, ये तो सूख जाएगा। और अभी मैं जा रहा हूँ रावण के सर के पास। ओ भाई सींग कितनी लंबी इसकी, ये देखो गाइस सींग एडिटेड है ये। ओ भाई गाइस कीचड़ है तो ध्यान से यहाँ पे आओ, सेक्टर 5 पंचकुल्ला में रावण बन रहा है देखो। बाकी दशहरे वाले दिन भी आएंगे, हम हर साल आते हैं हम यहाँ पे, आपको पता ही होगा पिछले साल भी आए थे, याद है राजे, यहीं पे मेला लगा हुआ था। ये देखो गाइस तलवार देखो रावण का, यहाँ से स्टार्ट है और ये गाइस आगे कीचड़ है, मैं ज़्यादा आगे जा नहीं पाऊँगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ तक। और ये हाथ है रावण का और ये देखो ये सर। भाई यार बरसात ने गाइस काम ख़राब कर दिया, कीचड़ है यहाँ, ये देखो कीचड़ में हम। कितना लोहा लगा, काफ़ी कुंटल लगे होंगे इसमें। ये देखो कितना मजबूत रावण है और पाँव रखने की जगह नहीं है यार, एक तो प्रॉब्लम बहुत है। ये देखो अंदर मैं रावण के मुंह के अंदर घुस गया गाइस। ये देखो देखो कितनी बारीकी से बनाया जाता है और ये वेल्डिंग हो रखा है। फिलहाल मैं यहाँ से निकल जाता हूँ नहीं तो मेरे जूतों का हाल ख़राब हो जाएगा। होए होए देखो गाइस, और वो रावण का ताज है, आगे कीचड़ है यार, कैसे जाऊँ मैं समझ नहीं आ रहा। सो गाइस मैं घूम के आता हूँ थोड़ा आगे, ठीक है फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस मेला बहुत ही अच्छा लगता है दशहरे वाले दिन जब यहाँ पे रावण जलाया जाता है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और इसके साथ में एक मेला लगा हुआ सामने, वो देखो उस साइड से जाके देखते हैं रावण। गाइस कल रात में बारिश हुई थी तो इस करके ज़्यादा ही यहाँ पे नमी है। चलो चलते हैं, कोई नहीं यार गीला हो गया तो कोई बात नहीं, धो दूंगा मैं। बाकी ये देखो ये रावण की जुतियाँ हैं, कितनी बड़ी जूती है, ये देखो इसकी जो जूती है ना ये नुकीला सा, और ये पूरा लोहे का है, तो बाकी सारा जो बना हुआ है रावण और लोहे का है। ओह कीचड़ गाइस इसमें जा नहीं पाऊँगा, ये देखो जूता देख लो, ये बहुत लंबा जूता है, जूता इसका 35 से 40 फीट का है और वो ताज है वहाँ पे 25-30 फीट का। बाकी पूरा रावण 185 या 190 फीट का होगा यार, कन्फर्म बता रहा हूँ मैं। ये देखो मैं, ये मेरे पैर पानी में घुस गए बिल्कुल ही। ये देखो ये भी लोहे का पूरा, ये है क्या ऐसे, ये क्या राजे, ये नीचे रखा हुआ है और अंदर देख रहे हो गाइस। सो गाइस इसका नाम नहीं पता वैसे, बाकी काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये देखो जूते कितने बड़े हैं, इसी हिसाब से आप रावण का अंदाज़ा लगा सकते हो, 190 फीट तो होगा ही, कम नहीं होगा। और ये देखो अंदर देखो कितनी बारीकी से काम किया गया है। तो उस साइड से घूम के दिखाता हूँ, बाकी जूता देख लो कितना मजबूत है, ऐसा जूता अगर मेरे पास होता तो मैं कभी जूता नहीं खरीदता, क्या करूँ मैं, तो कीचड़ी बहुत है। ओह हो, कोई नहीं गाइस दिखाऊंगा मैं पूरा क्योंकि मुझे भी देखना है रावण पूरा पास जाके। ये देखो अंदर से देखो, ये है गाइस रावण का नीचे वाला हिस्सा और मैं इसके सामने कितना बड़ा लग रहा हूँ। ये देखो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, नाखून के बराबर हूँ रावण के, और बाकी कीचड़ है तो बच के जाऊँगा। चलो कोई नहीं मैं निकल आया यहाँ तक, ये आ गया मैं रावण के बाजू के पास, हाथ के पास, वो वहाँ पे था पहले मैं, अब कमर के पास हूँ। और ये हाथ है इनका, इसके अंदर कुछ है क्या, मक्खियाँ है,
ये देखो आगे कुछ ज़्यादा ही पानी है गाइस, ये देखो पानी, ये देखो कहाँ पे खड़ा हूँ मैं। ओए ओए मधुमक्खी है गाइस, भागो मधुमक्खी काट लेगी मुझे। सो ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता मैं कहाँ से चढ़ूँ समझ नहीं आ रहा, इस पे से चढ़ के दिखाऊँ कितना पानी भरा हुआ है नीचे, पूरे ग्राउंड में पानी पानी हो रखा है। सो मैं प्रॉपरली कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, जहाँ थोड़ा बहुत गीला है वहाँ जा रहा हूँ, मतलब जहाँ पे ज़्यादा गड्ढा है वहाँ जा नहीं पाऊँगा क्योंकि पैर मेरा अंदर घुस गया तो फिर कुछ भी हो सकता है, पूरा जूता गीला हो जाएगा। सो और मैं सीधा निकलता हूँ आगे, आगे तो और ज़्यादा दलदल है गाइस। फंस गया गाइस मैं तो, ये देखो पानी के बीच में, बारिश ने काम ख़राब कर रखा। बाकी अगर बारिश नहीं हुई होती तो मैं प्रॉपरली घूमता यहाँ पे और अच्छे से आपको दिखाता, ऊपर से व्यू भी दिखाता। ये ताज है गाइस ऊपर का, 1 2 3 और ये रावण की मूछें वगैरह हैं शायद, सूख रहे हैं वो, नीचे तालाब पानी पानी हो गया पूरा। और वो सामने शालीमार है, दशहरा ग्राउंड बोलते हैं जिसे, तो वहीं पे होता है दशहरा और भीड़ लगती है, तो आ जाना आप भी दशहरे वाले दिन। अभी तो तैयारियां चल रही हैं, अभी मैं एक बार और आऊँगा जब ये पूरा तैयार हो जाएगा रावण, अभी तो यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे कीचड़ है, तो अभी मैं निकलता हूँ, बाद में आऊँगा जब सूख जाएगा ना पूरा गाइस, जब तैयार हो जाएगा ताज वगैरह फिट कर देंगे। बाकी दूर से देख लो काफ़ी बड़ा रावण है, और अब हमें लग चुकी है भूख जोरों की, तो हम निकलते हैं यहाँ से पहले। सो ये गाइस यही था रावण जो कि बन रहा है सेक्टर 5 पंचकुला शालीमार ग्राउंड में, ठीक है दशहरा ग्राउंड भी बोलते हैं इसको। सो अभी हम जब आएंगे जब यहाँ पे पूरा रेडी हो जाएगा रावण, सो करता हूँ ब्लॉक का एंड, मिलता हूँ एक नई ब्लॉक के साथ, टाटा बाय।